नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर गोविंद। इस वीडियो में हम जो इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें होती हैं, जैसे जुकी, जैक, ब्रदर और भी काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं, उन सारी कंपनियों के सिलाई मशीनों का जो ये प्रेशर फुट होता है, ये टोटल, इस प्रेशर फुट के प्रेशर की सेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए कि प्रेशर होता क्या है। देखिए, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। किसी चीज़ को बलपूर्वक दबाने को प्रेशर कहते हैं। जैसे देखिए, हम कपड़ा सिलने के लिए कपड़े को ऐसे पैर के नीचे लगाते हैं, यानी बूट के नीचे ऐसे लगाते हैं, और इस बूट को कपड़े के ऊपर ऐसे रखते हैं, तो हमारा बूट इस कपड़े को कितने बलपूर्वक नीचे दबा रहा है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। अगर हमारा इस प्रेशर फुट का प्रेशर कम होता है, लो होता है, तो उसके वजह से जब हम इस पैर को कपड़े के ऊपर रखने के बाद, यानी पैर के नीचे ऐसे कपड़ा रखने के बाद, पैर को रखने के बाद ऐसे नीचे, जब हम कपड़े को ऐसे खींचेंगे तो हमारा कपड़ा ऐसे आसानी से निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है, मतलब कि हमारे प्रेशर फुट का प्रेशर लो है, कम है। तो इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए टॉप पे, ये देखिए सभी सिलाई मशीनों के टॉप पे ऊपर में ये वाला पार्ट होता है। इस पार्ट से हम सिलाई मशीन के प्रेशर फुट का प्रेशर की सेटिंग करते हैं। प्रेशर की सेटिंग करने के लिए, अगर मान लीजिए आपके सिलाई मशीन के इस पैर का दबाव कम है, ठीक है, यानी लो है, जिसके कारण से आप कपड़ा खींचते हो तो कपड़ा ऐसे निकल जा रहा है आसानी से, तो इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले को देखिए, इस प्लास्टिक नट को इसको ऊपर उठा लेना है, ऐसे खोल के ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है, ठीक है, ऐसे ऊपर कर लेना। और ऊपर करने के बाद दोस्तों आपको इस वाले पार्ट को ऐसे टाइट करना है। जब आप इसको ऐसे टाइट करोगे, देखिए काम कैसे करता है, ये भी समझ लीजिए कैसे काम करता है। जब हम इसको ऐसे टाइट करेंगे तो यहाँ देखिएगा, नीचे यहाँ पे देखिए व्हाइट वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। देखिए हम टाइट कर रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, और जब ये नीचे आएगा, प्रेशर फुट में स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। ये दोस्तों सभी सिलाई मशीनों के प्रेशर फुट के अंदर ये स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। जब हम इसको ऐसे टाइट करेंगे, तो ये वाइट वाला पार्ट स्प्रिंग को नीचे की तरफ दबाएगा, और जब स्प्रिंग नीचे की तरफ दबेगी तो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बनाएगी प्रेशर, और जब नीचे की तरफ प्रेशर बनाएगी तो क्या होगा, हमारा प्रेशर फुट नीचे की तरफ दबाव बनाएगा। जब दबाव बनाएगा तो हमारा ये बूट कपड़े को ज़्यादा बल के साथ नीचे दबा कर रखेगा, जिसके कारण से हम इस कपड़े को ऐसे खींचेंगे तो हमारा कपड़ा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले पार्ट को ऐसे ऊपर कर लेना है, और इसे ऐसे टाइट करके प्रेशर को बढ़ा लेना है, और बढ़ाने के बाद इस वाले फिल नट को, इस प्लास्टिक वाले नट को नीचे की तरफ पूरा ऐसे करके टाइट कर देना अच्छी तरह से, ठीक है। और अगर आपको प्रेशर लो करना है, अगर यानी आपके पैर का दबाव ज़्यादा है, यानी आपका जो बूट है, ये बूट कपड़े को ज़्यादा दबा कर रखा है, ज़्यादा प्रेशर से दबा कर रखा हुआ है, और आप इसको लो करना चाहते हो, तो आपको फिर ऐसे ही करना है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा लेना है खोल के, ठीक है, और फिर आपको इसको ऐसे लूज करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ खोलना है, और खोलने के फिर बाद अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर इसको ऐसे टाइट कर देना है। तो आप समझ गए कि कैसे करते हैं प्रेशर सेटिंग, अगर ज़्यादा प्रेशर है तो कम कैसे करते हैं, और कम प्रेशर है तो ज़्यादा कैसे करते हैं, यानी प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं। एक बात आप और समझ लीजिए, अगर आपके सिलाई मशीन का प्रेशर फुट का प्रेशर लो है, मतलब कि आपका जो बूट है, पैर कपड़े को बलपूर्वक दबा के नहीं रखता है, लो प्रेशर है, तो इसके कारण से जब आप सिलाई करते हो तो आपका कपड़ा मशीन आगे की तरफ नहीं खींचती है, मतलब कि सिलाई करने के साथ साथ ये कपड़ा सही से बाहर नहीं निकलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से जैसे मैंने बताया है, दिखाया है, वैसे ही आपको यहाँ से प्रेशर बढ़ा लेना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए जो सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं, या फिर सिलाई मशीन रिपेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाइए हमारे चैनल पर, और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है अच्छी, देखिए और सीखिए।